Ben, il dit un bon temps. हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य कांची के गिरफ्तारी 2.5 साल पहले हुई थी और दिवाली के रात्रि पर आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से पुलिस गए उनको गिरफ्तार करके एक साधारण चोर जैसे क्रिमिनल जैसे उनको पकड़ के लाकर जेल में अंदर डाल दिया था। तो इससे मुझे बड़ा एक चिंता पैदा हुई कि ये कैसा हो सकता है हमारे स्वाधीन भारत में। और उस समय से मैं जो विभिन्न घटनाएं हमारे देश में घटे हैं उस पर मैं विचार करते आया और आखिर में मैं एक पुस्तक भी लिखा और इसके बाद देशभर में मैंने आम सभाएं भी की है। इस किताब पुस्तक के गुजराती अनुवाद भी अभी छपने वाला है और मैं प्रमुख स्वामी से आशीर्वाद मांगी, उन्होंने कहा कि मेरे पूरा आशीर्वाद में होगा और यदि मैं मुंबई में हूँ जब इसकी विमोचन होगी तो मैं भी उपस्थित रहूँगा, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इतने घटनाएं हमारे देश में हिंदुओं के विरुद्ध में हो रही है उसके क्या पीछे एक साजिश है, क्या हिंदू निशाने पर है, हिंदू घेरे में है, तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है क्योंकि धर्म संकट पर पड़ता है तो सबको उसमें शामिल होनी चाहिए उस संघर्ष में और यही हमारे धर्म के संत लोगों ने भी शुरू से किया है। रामायण तब शुरू हुई जब विश्वामित्र गए दशरथ के पास और कहा कि तुम्हारे दो बेटे को मुझे ले जाना है क्योंकि असुरा शक्ति को पराजय करना है। तो वहां से उसको राजनीति कह सकते हैं। कृष्ण भगवान ने महाभारत में जो आदेश दिया और पाठ पढ़ाया अर्जुन को वो भी, और शंकराचार्य श्रृंगेरी ने विजयनगरम का साम्राज्य को उत्पन्न किया क्योंकि उस समय जो कुकर्म हो रहे थे हिंदुओं के विरुद्ध में उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने एक साम्राज्य तैयार किया जो 300 साल चली। स्वामी रामदास ने शिवाजी को प्रेरणा दी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो और महात्मा गांधी भी हमारे धर्म की पुकार करते हुए ही उन्होंने आजादी के आंदोलन चलाई थी। तो इसीलिए ये सोचना कि ये राजनीतिक विषयों से हमें दूर रहना आज की परिस्थिति में, तो मैं समझता हूं हमारे देश से एक और अपना अन्याय होगा और देश की अपमान को हमें पहचानना चाहिए और उसको दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम 83% हिंदू हैं हिंदुस्तान में तो हम निशाने पर कैसे हो सकते हैं। यही है कि हमारे हिंदुओं में वो जो एकता होनी चाहिए मानसिक एकता वो नहीं है। एक सर्कस में चार शेर या सिंह होते हैं और एक रिंग मास्टर होता है जो एक विप को लेकर उसको इन चार पांचों को डराता है और उनको खड़े होने के कहता है, चढ़ने के लिए कहता है और वो भी उन उसके आदेशों को मानता है। एक भी उनमें से सिंह जो है उस रिंग मास्टर को खत्म कर सकता है पर तो नहीं करता है। जब शेर निकलती है जंगल में अकेला निकलता है और जो बकरियां हैं जो भेड़िया हैं ये सब तो हजारों में होते हैं पर तो एक शेर को देख के सब भाग जाते हैं, तो संख्या से तो कुछ हो नहीं सकती। मानसिकता की आवश्यकता है, एक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं वो प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं हम दिवाली मनाते हैं उससे पर्याप्त नहीं है, आज की परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है। आज की परिस्थिति में ये भी करना चाहिए, अपनी भक्ति की भी कायम रखनी चाहिए परंतु उसके साथ ही साथ
हमें एक प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई निशाना हमें निशाने पर रखे या घेरे में डाले तो हम जवाब देंगे। हमारी प्रवृत्ति उस तरीके से बनी नहीं है, तो ये हो रहा है। धर्म परिवर्तन विदेश से आते हैं, हमारे देश में तो लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। हमें कोई इतराज नहीं है कि कोई अपने मन से तय कर रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं होना है, मुझे क्रिश्चियन बनना है, तो हम कोई इतराज नहीं करते। लेकिन लोभ देकर, उनको लाभ दिखाकर, उनको इस तरीके से प्रोत्साहन करके धर्म परिवर्तन कोई देश में कोई मानता नहीं, किसी देश नहीं मानेगा, लेकिन हमारे देश में हो रहा है। और वो भी किसके धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो नहीं हिंदुओं का ही हो रहा है, कोई और किसी धर्म को नहीं छू रहा है। और कोई छुएंगे तो फिर सरकार उनकी उनको रोकने के लिए आ जाती है। इसराइल से एक बार एक दो साल पहले वहां के जो रबाई है, चीफ रबाई को आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मिजोरम में लॉस्ट ट्राइब ऑफ जूस हैं, और वहां पहुंचे मिजोरम में और वहां उन लोगों से मिले, और उन लोगों ने कहा कि हाँ हम तो ज्यूइशी हैं, हमारे बाप दादा सब ज्यूस थे, लेकिन क्रिश्चियन जब अंग्रेज आए हमारे देश में राज की, उन्होंने हमें जबरदस्ती धर्म बदल दी, और तो हमारे सारे संस्कार ज्यूइश है, हम दोबारा ज्यूइश बनने चाहते हैं। तो उन्होंने एक समारोह रखी जहां सबकी शुद्धि होने के लिए उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन तुरंत हमारे प्रधानमंत्री उस राबाई की वीजा को कैंसिल करके उनको रवाना कर दी, और इसराइल सरकार को भी चिट्ठी लिख दी कि ये इस तरीके के धर्म परिवर्तन हम पसंद नहीं करेंगे। ये क्रिश्चियन जूस थे, इनको जबरदस्ती हिंदू क्रिश्चियन बनाएगा, दोबारा उनको जूस बनाने की बात आई तो सरकार आ गई। लेकिन जब ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे देश में बाहर से आते हैं और जबरदस्त, कोई आधार नहीं दे सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेल एप्लीकेशन ही नहीं, तो वरना हम इस केस को डिसमिस कर देते, ये जो वापस करने के लिए कह देते रद्द कर देते, लेकिन बेल एप्लीकेशन तो हम बेल दे रहे हैं परंतु तो हम अपनी टिप्पणी देते हैं, इस केस में कोई दम नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। उसके बाद करुणानिधि ने उस केस को दबा के रखा है, आगे नहीं बढ़ने देते, उस केस को डिसमिस करना चाहिए, पर केस चलता ही नहीं। तो ये कैसा हो सकता है हमारे देश में, दूसरे देश में इस तरीके से होगा तो कोई सहन करेगा? एक कार्टून छप गया डेनिश अखबार में मोहम्मद का कुछ बुराई करते हुए, कार्टून तो हंसी मजाक के लिए होती है, कोई सीरियसली लेता? पर दिलों ने सीरियसली ले लिया, बड़े दंगे हुए। प्रधानमंत्री ने हमारे डेनमार्क, उनके डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में आने वाले थे, उनका ट्रैवल को रद्द कर दिया और चिट्ठी भी लिख दिया इस तरीके से आप टॉलरेट नहीं करेंगे। तो नहीं, लड़ते रहो आज भी उस मंशा की वापस आने की जरूरत है हमारे देश को विभाजन करने के लिए। आर्यन है, द्रविड़ियन है, विभाजन करने के लिए अनेक चीजें भारत का जरूरती है, परंतु आज की जो नई साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, जैसे डीएनए के रिसर्च, उससे तो अब साबित हो गया है कि हिंदुस्तानी किसी जाति का हो, कहीं भी हो, किसी कोने में हो, वो एक ही डीएनए का स्ट्रक्चर का है, और इसीलिए हम सब हिंदुस्तानी देश के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, हम सब एक यहाँ है। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि ये जो जात है, जाति व्यवस्था है, इसके बारे में जरा सोचिए, ये क्या जन्म से जुड़ना चाहिए? आखिर में ये तो कभी हमारे ऋषियों की इच्छा नहीं थी कि ये जन्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सत्ता के लिए चार मुख्य चीज होते हैं, उसमें एक ज्ञान, दूसरा शस्त्र, तीसरा धन और चौथा जमीन। इन चारों को एक हाथ में नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसीलिए विभाजन की थी। वितरण भी देखा है कि कालिदासा जो हमारे सबसे बड़े कवि थे, वो जंगलों में से एक हंटर के परिवार से आए थे। ब्राह्मण देखना है तो नाम देना है मुझे, तो फिर तो मुझे रावण का नाम देना पड़ेगा, रावण ब्राह्मण था, परंतु तो उसने अपराध किया तो उसको सजा मिली, और किसने सजा दी? एक क्षत्रिय राजा ने, रामचंद्र जी, और हम सब लोग उस क्षत्रिय राजा को पूजा करते हैं, यद्यपि उसने ब्रह्म हत्या की थी, क्योंकि उसने कोई भी कानून के ऊपर नहीं हो सकता, विधि के ऊपर नहीं हो सकता, वो हम उस तरीके से हमने चलाई थी।
तो आज मैं ये कहता हूं कि हमारे जो विभिन्न अंगों से आप देखोगे, थोड़ा भी विश्लेषण करोगे तो हिंदू घिरा हुआ है और निशाने पर है, उसको खत्म करने के लिए लगी हुई है कई ताकतें। कई ताकतें विदेशी, विदेश से आते हैं, विदेशी हमारे देश में रहते हैं, हमारे हमारे अब इस किसी कोई आ जाए और हमारे देश के वेश पहन ले तो हम गुमराह हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि वो देखिए वो कितना हिंदुस्तानी बन गए, उसने साड़ी पहन ली, उसने टीका लगा ली। मैं कहता हूँ रावण भी जब सीता का अपहरण करने आया तो वो भी सन्यासी के रूप में आया था गुमराह करने के लिए, वो रावण के रूप में नहीं आया था। तो बच के रहना, ये विदेशी जो लोग आते हैं साड़ी पहन लेते हैं टीका लगा लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, पहले से पहले हमारे देश की जो पहचान है उसमें स्पष्टता आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अंग्रेजों ने बनाई देश, उसके पहले हमारे राजे सब लड़ रहे थे, ये सही नहीं है। चाणक्य ने बहुत पहले ही कहा था, जब वो यवनों को मारने के लिए निकले बिहार से और सारा उत्तर प्रदेश की प्रवास करके पहुंचे अफगानिस्तान यवनों से लड़ने के लिए, तब लोगों ने कहा इतना दूर आके उनको लड़ने की क्या जरूरत है, आपका तो बिल्कुल सुरक्षित है बिहार। उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान में सब जनपदे हैं, लेकिन जब खतरा आता है तब तो चक्रवर्ती की कल्पना होती है, माने एक हो जाता देश और एक नेता के पीछे सब लड़ते हैं, तो इसीलिए मुझे वहां लड़ना पड़ता है। इसीलिए हमारे राजाओं ने पानीपत में लड़ा, सब विदेशी से जो विदेशी आए उनको पानीपत में रोकने की कोशिश किया। दक्षिण से भी लोग गए, चोड़ा के राजा गए थे पानीपत में रोकने के लिए। जब महाभारत हुई थी तो सारे हिंदुस्तान से लोग राजा आए थे। हाँ, भले दुर्योधन के पास ज्यादा संख्या थी, कृष्ण भगवान के पास सिर्फ 13 राजा आए थे, परंतु कृष्ण भगवान थे तो पर्याप्त था। तो इसीलिए हमारे एक देश की पहचान क्या है, प्राचीन देश है, और इस प्राचीन देश में फिर आज के जो मुसलमान और क्रिश्चियन है उनको क्या, उनका क्या हिस्सा बनता है। हमें इसको हम रख सकते हैं, वो संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत में एक एक शब्द का जो अर्थ है उसमें कोई उलझन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए जॉर्ज बुश ने अब एक न्यू फेडरल लॉ निकाली है कि संस्कृत पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज को धन देंगे सेंटर्स। तो हमें क्या, कल हम लोगों ने योगा से की प्रतिष्ठा बनाई हमारे देश में, जब अंग्रेजों ने योगा स्वीकार किया, जेन फोंडा ने योगा का डीवीडी निकाला, तो हमने सोचा योगा बहुत अच्छी चीज है। तो क्या कल संस्कृत भी हम तब मानेंगे जब यहाँ के अंग्रेज लोग संस्कृत बोलने लगे? ये तो हमारी पूंजी है, इसको हमें लगानी चाहिए। तो हम एक एक परिवार को ये यहाँ फैसला करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। और संस्कृत पढ़ाना आजकल यहाँ जो सारे जो टेप्स आए, ऑडियो टेप्स आए हैं, जो डीवीडीज आए हैं, उसके आधार पर आप ये मंदिरों के जरिए सबको संस्कृत पढ़ाने की पाठ के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है हमारी जो सही इतिहास है उसको पढ़ाना चाहिए, हमारी जो मूल एकता है उसको पढ़ाने के लिए यहाँ किताबें तैयार हुए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है अमेरिका में, यूएसए में ऐसे बहुत हैं, उनकी और वेबसाइट्स अनेक आए हैं। यहाँ के हमारे देश से आए हुए जो संत लोग आए हैं वो भी बता रहे हैं बहुत बड़ी स्पष्टता के साथ। तो उनके जरिए हमारी जो वास्तविक इतिहास है उसको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और यहाँ उसकी चैलेंज भी करने के लिए करना चाहिए। मैदान होता तो मैं कहता हूँ जनता पार्टी को समर्थन करिए, जनता पार्टी जिस गठबंधन के साथ है उसको समर्थन के लिए ऐसा कह देता। पर आज मैं नहीं कहूंगा, ये मंदिर है, ये पवित्र स्थान है, मैं ये कहूंगा। और आचार्यों को भी मैंने किसी पार्टी के लिए तो कह नहीं सकता, मुझे अधिकार नहीं है, परंतु जरूर इतना तो कह सकता हूं कि एक हिंदू के लिए एक सूची तैयार करें, हिंदू एजेंडा, और उस एजेंडा सब पार्टी को दे दीजिए और उनमें से जो कहते हैं कि हम इसको मानते हैं उनको वोट देने के लिए कह दीजिए। और दो पार्टीज कहते हैं, दो कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो उनमें से जो अच्छा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको दे दीजिए, परंतु जो ये एजेंडा को नहीं मानता है
तो उसको तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। संत लोग सब गांव गांव जाकर बोलना चाहिए, हम लोग राजनीति के जाएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तो संत लोग जाएंगे एक बार तो जाना चाहिए। हम 83% हैं, सारे 83% एक जो मिलकर नहीं वोट देने की जरूरत नहीं है, 40% करें तो फिर भी मेजोरिटी मिल जाएगी। एक कर्मठ, एक निष्ठावान हिंदू मंशा के, हिंदू प्रवृत्ति की सरकार की आवश्यकता है आज, और वो किसी पार्टी का हो। मैं जैसे हिमाचल प्रदेश में वहां मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, परंतु उसने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक बिल पास कर दिया। दिल्ली से बड़ी चिल्लाकाई, उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे लाहौल स्पीति में जिस तरीके से पैसा का नदी बह रहा है, हम तो इसको सहन नहीं कर सकते, आखिर में हमारा धर्म भी की रक्षा करने की भी हमारी कर्तव्य है। तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह ने कर दी। तो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो निष्ठावान हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पार्टी अच्छा है दूसरा बुरा है, परंतु यह जरूर आवश्यक है कि आने वाले पार्लियामेंट में हमारे बहुसंख्या में लोग हिंदू होता ही नहीं था, लेकिन चिट्ठियों के जरिए वहां दौरा करके लोगों को प्रभावित करके जब चुनाव आई थी सब तैयार थे, और इसीलिए जनता पार्टी की जीत हुई थी और लोकतंत्र वापस आई थी। वो इंदिरा गांधी ने मुझे खुद बाद में जब दोबारा जीत कर आई थी तो एक हमारे साथ उनकी मित्रता बनी, तब मैं उन्होंने खुद मुझे कहा कि जो विदेश में बसे हुए हिंदुस्तानियों ने हमारी नाक में दम कर दी और हमें कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने इलेक्शन बुलाई और इस इलेक्शन के कारण ही इमरजेंसी गई, अपने आप किसी हिंसा के बिना तो नहीं जाती, और हिंसा होती तो देश बर्बाद हो जाती, लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव के जरिए इमरजेंसी गई, ये हमारे देश के इतिहास के लिए बड़ी गौरव की विषय है और इसके लिए योगदान आपकी थी। इसी प्रकार से ये जो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बालाजी वेंकटेश्वरा के जो 7 पहाड़ हैं उनमें से उन्होंने कहा 3 हम ले जाएंगे, गवर्नमेंट की एक जीओ निकाली, ये 3 गवर्नमेंट की है और 4 मंदिर की है, और इन 3 में एक में हम चर्च बनाएंगे, दूसरे में हम गैम्बलिंग कैसीनो बनाएंगे और तीसरे में हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। तो बड़े हंगामा हुआ, संत लोग गए वहां डेमोन्स्ट्रेशन की और फिर ये यहाँ आए थे शिकागो में, तो बड़े संख्या में लोग यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके सारी अखबारों में छप गई कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो उनके उनको भी बुरा लगा और डर भी आया, और वापस जा करके उन्होंने नया ऑर्डर जियो निकाल कर ये 7 को उन्होंने हवाला कर दी बालाजी टेम्पल के लिए, और ये भी एक ऑर्डर निकाल दी कि कोई क्रिश्चियन वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकता धर्म परिवर्तन के लिए, और उन्होंने उस प्रकार से झुक गए। तो ये इतनी बड़ी संख्या में झुक जाएंगे तो परिवर्तन तो होगा ही। लोग कहते हैं क्यों चापलूसी करते हैं ये अल्पमत के लिए हमारे देश में, क्योंकि ये अल्पमत के लोग जो है, जो माइनॉरिटीज हैं, ये तो इकट्ठे वोट डालते हैं, 15% हो 20% हो, परंतु जीतने हारने का कट्ठा वोट डालते हैं। हिंदू कट्ठा नहीं जाता, बट जाता है, बिल्कुल बट जाता है, तो हिंदू की परवाह नहीं करते। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन राजनीति भी बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी मायावती ने ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट को एक कर दी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई। अब सब बोल रहे हैं वही भाषा कि कैसे ब्राह्मणों को इधर लाएं और शेड्यूल कास्ट को उधर लाएं, कोई माइनॉरिटी की बात करना बंद कर दी है। उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से एक नया सोशल एक्सपेरिमेंट आया, वैसे ही देश भर में आज जाति का कोई आधार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसको धीरे 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 मिट जाना चाहिए और हम सब लोग अपने को सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तानी कहने की लाइफ बननी चाहिए। यही इसी तरीके से मंशा तैयार हो सकती है। आपने बड़ी शांति से मेरे विचारों को सुना, इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच दामोदर स्वामी। यू रियली ओपन द आईज। एक बार संजय के भगवान कृष्ण में कहे थे पर धर्म गया हुआ। इस किताब पुस्तक के गुजराती अनुवाद भी अभी छपने वाला है और मैं प्रमुख स्वामी से आशीर्वाद मांगी, उन्होंने कहा कि मेरे पूरा आशीर्वाद में होगा और यदि मैं मुंबई में हूँ जब इसकी विमोचन होगी तो मैं भी उपस्थित रहूंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इतने घटनाएं हमारे देश में हिंदुओं के विरुद्ध में हो रही है,
उसके क्या पीछे एक साजिश है, क्या इन्हें अंदर डाल दिया था। तो इससे मुझे बड़ा एक चिंता पैदा हुई कि ये कैसा हो सकता है हमारे स्वाधीन भारत में। और उस समय से मैं जो विभिन्न घटनाएं हमारे देश में घटे हैं उस पर मैं विचार करते आया, और आखिर में मैं एक पुस्तक भी लिखा, और इसके बाद देश भर में मैंने आम सभाएं भी की है। हिंदू निशाने पर है, हिंदू घेरे में है, तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि धर्म संकट पर पड़ता है तो सबको उसमें शामिल होनी चाहिए उस संघर्ष में। और यही हमारे धर्म के संत लोगों ने भी शुरू से किया है। रामायण तब शुरू हुई जब विश्वामित्र गए दशरथ के पास और कहा कि तुम्हारे दो बेटे को मुझे ले जाना है क्योंकि असुरा शक्ति को पराजय करना है। तो वहां से उसको राजनीति कह सकते हैं। कृष्ण भगवान ने महाभारत में जो आदेश दिया और पाठ पढ़ाया अर्जुन को वो भी, और शंकराचार्य श्रृंगेरी ने विजयनगरम का साम्राज्य को उत्पन्न किया, क्योंकि उस समय जो कुकर्म हो रहे थे हिंदुओं के विरुद्ध में उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने तो मैं हिंदी में बोलता हूं, हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य कांची के गिरफ्तारी 2.5 साल पहले हुई थी, और दिवाली के रात्रि पर आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से पुलिस गए उनको गिरफ्तार करके एक साधारण चोर जैसे क्रिमिनल जैसे उनको पकड़ के लाकर जेल